प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर के प्रस्तावित वाराणसी दौरे में काशी वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे, साथ ही वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल जनसभा स्थल के क्षेत्र का निर्णय नहीं हो पाया है। पीएम मोदी की जनसभा के लिए बुधवार को एसडीएम राजा तालाब और भाजपा का प्रतिनिधि मंडल मेहंदीगंज स्थित स्थल को देखने पहुंचा। जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने बताया कि रिंग रोड के पास स्थित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब सोच ईमानदार हो तो काम दमदार होते हैं और दिखाई भी देते हैं। वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश देश की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है। कभी कल्याणकारी योजनाओं में काफी पीछे रहने वाला यह प्रदेश आज देश की 44 योजनाओं में नंबर एक है। यह दुनिया के लिए सबसे अच्छा निवेश और सुरक्षा का वातावरण देने वाला राज्य है। यह नया और उभरता उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तिकुनिया हिंसा मामले में जांच तेज करते हुए पुलिस ने गुरुवार सुबह 10:15 पर जेल में बंद तीन आरोपियों की अंकित दास, गनर लतीफ उर्फ काले और ड्राइवर शेखर भारती को रिमांड पर ले लिया है। इसके बाद टीम तीनों आरोपियों को लेकर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची, जबकि वहां आशीष मिश्रा मोनू को पहले से ही रखा गया है। लखनऊ में दशहरा पर शुक्रवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार के मुताबिक इनमें छपरा दिल्ली जंक्शन साप्ताहिक 26 अक्टूबर से 30 नवंबर तक छपरा से प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11:15 से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 11:20 से दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी। गरीब और असहायों को धोखा व प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने के मामले में मुख्य आरोपी उमर गौतम के सहयोगी प्रसाद कावरे उर्फ एडम, फराज शाह, कौसर आलम और भूप्रिय बिंदु उर्फ अरसलान के खिलाफ एटीएस के विशेष न्यायाधीश योगेंद्र राम गुप्ता की कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। इससे पूर्व 18 सितंबर को एटीएस ने मामले में उमर गौतम, जहांगीर आलम, राहुल भोला, मन्नू यादव समेत 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था। देश में भयावह रूप से लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें और महंगाई से परेशान जनता को राहत देने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार से अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि देश में एक तरफ आए दिन पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों में तथा दूसरी तरफ रोजमर्रा की वस्तुओं के बढ़ते हुए दामों से आम जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त व श्रस्त है। केंद्र व सभी राज्य सरकारें जनता को राहत देने के लिए तुरंत सख्त व प्रभावी कदम उठाएं, यह बसपा की मांग है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण में फाउंडेशन के दूसरे चरण का काम संचालित है। पहले चरण में नींव भराई का काम पूरा हुआ है। दूसरे चरण में 50 फीट गहरी नींव के ऊपर 1.5 मीटर राफ्ट डालने का काम चल रहा है, ताकि नींव और अधिक मजबूत हो। यह काम 15 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। इस प्रकार 15 नवंबर तक राम मंदिर की नींव बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद राम मंदिर के प्लिंथ को ऊंचा करने का काम प्रारंभ होगा। आज घरेलू बाजार में सोने और चांदी की वायदा कीमत में गिरावट आई है। MCX पर सोना वायदा 0.2% नीचे 47,820 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की वायदा कीमत 0.5% नीचे 62,562 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। पिछले सत्र में सोना करीब 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम 34 से 37 पैसे तो वही पेट्रोल के दाम 31 से 35 पैसे बढ़े हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं।